मैं मुन्ना ये बड़ौद का रहने वाला हूँ, बावली रोड का हूँ। हमें तो बहुत अच्छा हुआ, मोदी फिर के भी आएगा, योगी की सरकार और प्रधानमंत्री की सरकार दोनों बनेगी और लोकदल है, लोकदल की भी सीट तैयार की जाएगी और मोदी जी आएंगे वापसी। मोदी वापस आएंगे, क्यों आएंगे? आएंगे क्यों? क्योंकि जनता की भलाई कर रहे हैं, गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं है। अच्छा, और उनको रोजगार भी दिया जाएगा, रोजगार भी दिया जाएगा। पर कह रहे अभी तो खत्म कर दिए रोजगार। कौन कह रहा है खत्म कर दिए? कह रहे कि खत्म कर रखा। नहीं वही खत्म, क्योंकि युवा तो आगे बढ़ने से पीछे घटे लग रहे, आगे बढ़ेगा जब तो रोजगार मिलेगा। सही बात है। क्या फायदा हुआ मोदी जी के आने से? फायदा है, गरीबों के जो कच्चे मकान थे वे तैयार किए जा रहे हैं। कह तो रहे मोदी जी ने कुछ किया नहीं है, चालू हो रहा है काम, चालू हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन ईव इलेक्शन आरो चालू होने जा रहे हैं। इलेक्शन में जो जनता लोग वोट देगी, चुने जिसे चुनेगी वही सरकार बनेगी। आप किसे चुनोगे? राहुल गांधी को? हम चुनेंगे बीजेपी को। बीजेपी को? राहुल गांधी जी को क्यों नहीं? बीजेपी राहुल गांधी जो हमारे विकलांगों को सहायता में काम करता, काम होता। विकलांग है बहुत, पीछे अटल लग रही है, विकलांग के जो पेंशन रुकी हुई है आगे बढ़ाए जाए, तैयार किया जाना चाहिए विकलांगों को, उससे ही रोजगार मिलता है। आज जो विकलांग नहीं करना चाहते, विकलांग को ई रिक्शा देने की कृपा करे, रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा, अन्य तो हम हड़ताल करेंगे, आगे तक लड़ सकते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? चरण सिंह भाई चौधरी। हाँ, योगी भी और मोदी भी सब जगह बढ़िया है। देखो ठाडू को तो सब कुछ दे रहे, गरीब को सिर्फ दो धड़ी गेहूँ दे रहे और कुछ नहीं दे रहे। बाकी महंगाई तो जरूर हो, मोदी योगी खूब बढ़िया काम कर रहे, और गरीबों के हक में आएंगे दोबारा। गरीबों के हक में थोड़ा सा सोचना चाहिए ना, आएंगे दोबारा, कुछ नहीं। हाँ आएंगे दोबारा, आएंगे दोबारा, आओगे फिर भी आओगे। हम उसका क्यों खड़े हैं सब ढाल? क्यों आएंगे जब गरीबों के लिए कुछ नहीं कर? भाई गरीबों के लिए सब कुछ होना चाहिए ना, जो कर दूसरा 8000 भाज का उसके लिए तो गैल गैल हो जा, गरीबों को तो वही मिल रहा बस। हाँ उसके लिए हो रहा है, जिसके पास जमीन है उसे 2000 रुपये हर महीने पहुँच रहे हैं। गरीब आदमी के लिए क्या हो रहा है? महंगाई इतनी है, हर चीज़ बढ़ रही है, हर चीज़ महंगाई इतनी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा हो गई महंगाई, बहुत ज़्यादा होगी। कौन कम करेगा? गरीब आदमी को गुजारा कौन कैसे करेगा? कौन करेगा? कर्म वही करेंगे, मोदी सरकार करेंगी, मोदी जी कम करेंगे, महंगाई भी कर रहे हैं वही, और वही कम करेंगे। क्यों महंगाई को? राहुल गांधी भी तो कर सकते हैं। नहीं वो क्यों करेंगे जब सरकार उनकी है? आएंगे ना वो भी सरकार में, तो आएंगे, पर वोट तो उनकी है। किसकी है? मोदी जी की। मोदी जी को ही वोट दोगे? हम तो महंगाई भी कह रहे हैं और मोदी जी को भी वोट दोगे ना? हम तो महंगाई हो चाहे, हम महंगाई में भुक्के भर जाओ और वोट नहीं देंगे, वोट नहीं दोगे। ये कैसा प्यार है? बस यही प्यार। कैसा प्यार है? सिर्फ गुंडागर्दी और हाईवे रे रोड इनमें फायदा हुआ। अरे हम बताऊंगे प्यार ना, पुलिस का लट है, डर रहे हैं सब अधिकार। नहीं नहीं कुछ नहीं है, पुलिस के पुलिस क्या कर लेगी? अरे रुक तो जाओ, इन्हीं से पूछ। नहीं नहीं डर रहे हो? पुलिस का सच बताना, देखो डर रहे हो? पुलिस क्या कर लेगी? नहीं किस तरह डरेंगे? पुलिस पुलिस से डर? नहीं पुलिस का लट चढ़ जा, पुलिस का हमें पता नहीं किस पे चला, आप पे चला बतेरा, मेरे पे क्यों चला? मैं तो इनके सांसद साहब का वो हूँ, मैं नू नहीं, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, भाजपा की, मैं भाजपा का ही हूँ भाई। बाकी मैं थोड़ा आप हो किसी के, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, पर आप कह रहे कि कोई बोलता तो उस पे लट चल जा, आप पे चला बड़ी करो। एक मिनट सुनो, किस छपरौली विधानसभा में हुई है? ठीक भाई, इब कैमरे पर बताऊंगे सारे, जैसा यू भाई बता रहा था मैं मोदी मोदी, ये रोज डीएम के वहाँ एसडीएम के वहाँ धरने दे डाल के, वहाँ से 50 आदमी दे धरने, बताए इब के रातु किसान हम वहाँ से वो 1:30 बजे जा रहा है वहाँ से देखण, बछड़े भी चारू की निगाह रखे हम, बछड़े भी। क्या नाम हुआ? चौबे जी। चौबे जी क्या लग रहा है? चौबे जी, 24 में सरकार किसकी बनेगी? 24 में सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी, और हम तो मोदी जी की बनेगी। कारण क्या कर दिया मोदी? कारण उसका यह देखिए, माइक छोड़ दीजिए, माइक। देश जो है प्रगति के पथ पे है, प्रगति के पथ पे, प्रगति के पथ पे है, और विश्व में हमारा नाम हो रहा है, और हम इस स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां हम कभी सोचे भी नहीं थे। अच्छा। पिछली सरकारों में काम तो शुरू से हो रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से काम हो रहा है, लेकिन अब इस समय तीव्र गति से थोड़ा हो रहा है। महंगाई की बात है, महंगाई बढ़ेगी, अगर विकास का काम होगा तो महंगाई बढ़ेगी, अगर हमें 10 को कपड़े सिलवाने हैं तो हमें 1 रोटी कम ही खानी पड़ेगी, तभी हमारे पास 10 कपड़े होंगे। अच्छा। अगर हम चाहेंगे कपड़े बढ़िया पहने तो हमें और रोटी भी बढ़िया खाएं, तो इसके लिए या तो कमाना पड़ेगा जी, या फिर कटपट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ।
इसलिए जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी वैसे पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, नहीं नहीं पढ़े लिखे हैं योग्य, और हमारे विपक्षी भाग रहे हैं। अगर हमारे अंदर भी तो कमियां हो सकती हैं, उस कमियों को बताओ संसद में रह के कि ये कमियां हैं, सुधरने लायक होगी तो सुधरेगी, नहीं सुधरने लायक होगी तो उस पर चर्चा होगी। और हम कोई बिल लेके आते हैं और तुम भाग जाते हो, ये कहाँ का विपक्ष है? सही बात है। तो कैसे कैसे चलेगा देश? पर अब तो दो युवाओं की जोड़ी मिल गई है, किसकी? अखिलेश यादव और राहुल गांधी। वो जोड़ी मिल जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन पब्लिक का जो माइंड सेटअप है उस माइंड सेटअप को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। क्या हो गया ऐसा कि तोड़ ही नहीं सकता? मैं इसलिए हो गया। हाँ बताइए सर, आप ही बताइए। आप कुछ बताओ ना, पूछो ना कुछ। इसकी सरकार बनेगी 24 में तो सबको पता, पेट के बच्चे को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसी ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो लोगों ने सोचे नहीं होंगे, जो सोचे नहीं होंगे। निर्णय बता दीजिए, ऐसे क्या निर्णय? तीसरी सरकार जो है निर्णयों की सरकार होगी। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण, UCC, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, समान नागरिक संहिता, सारे पे जो है निर्णय तीसरी सरकार 2024 की सरकार में लिया जाएगा। 2024 की सरकार बनते ही फैसले नहीं होंगे। अच्छा, और राहुल गांधी हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? आस्था और विरासत की सरकार है। आपने कल देखा होगा प्रधानमंत्री जी द्वारिका में नीचे गए हैं, वहाँ जहाँ द्वारिका का मंदिर श्री कृष्ण जी की समुद्र में डूबी, तो उससे आप अंदाजा लगा लो भक्ति और शक्ति की सरकार है, विरासत की सरकार है और आस्था की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, सारों से पूछ लो यहाँ सब। और यहाँ की जब बात करें, जय जवान जय किसान और जय श्री राम। पर किसान तो नाराज बैठे बॉर्डरों पे, नाराज बैठे पश्चिम पश्चिम हरियाणा की बात कर रहे हो ना आप? पंजाब और हरियाणा के पंजाब में केवल जो है वो खालिस्तानी है, वो किसानियों किसानों के भेष में वो खालिस्तानी है, पंजाब के किसान वे पंजाब के किसान है, वहाँ बहुत बड़े बड़े हैं वो बैठे, अरे सुनो वो बैठे सारे के सारे कनाडा में, और यहाँ जो वे बेचारे मजदूर उनके यहाँ उनके फार्मों में नौकरी करते हैं वो उन्हें ट्रैक्टर ले लेकर उन्होंने भेज दिया, और इससे वहाँ किसान नहीं है, किसान तो बेचारा अपना काम कर रहा है खेतों में, खेतों में काम कर रहा है किसान। हाँ खेतों में काम कर रहा है किसान। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे अभी? मैं तो ये कह रहा था, मैं भैया वे किसान थोड़ी है, पंजाब के किसान थोड़ी है, हमारे उत्तर प्रदेश के किसान थोड़ी जा रहे हैं, सिर्फ पंजाब के किसान जा रहे हैं वहाँ पे, बताओ पंजाब के? हाँ पंजाब में ही है, मतलब की उत्तर प्रदेश के नहीं जा रहे, सिर्फ पंजाब के किसान है। हाँ और कई किसान है ही नहीं क्या? किसान तो सारे जगह अपने खेतों में है भैया, किसान अपने खेतों में है, किसान को कोई फुर्सत नहीं है वहाँ पर बैठने के लिए। तो वो कौन है जो बैठे कह रहे हम तो किसान है, किसानों के लिए मांग उठा रहे हैं? नहीं नहीं किसान नहीं है, किसान सब किसान खुश है, सब बहने बेटियाँ खुश है मोदी जी की सरकार में। हम मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी ही आएंगे। हाँ मोदी जी क्या कर दिया ऐसा? मोदी जी आएंगे, लोग कह रहे महंगाई हो गई, बेरोजगारी। कोई महंगाई नहीं है, क्या नहीं करा मोदी जी ने? क्या कोई महंगाई नहीं है, सोचने का तरीका है बस, कुछ ना कुछ तो कहना है विपक्ष को। पहले भी 10 साल पहले भी तो महंगाई थी, अब उसको अगर उसका आंकड़ा लगाएंगे और मोदी जी के 10 साल में जो लगाएंगे तो नहीं होती, तो आप देख सकते हैं कि मोदी की सरकार में सस्ता ही है लेकिन महंगा नहीं है, महंगा नहीं है जी। और उस समय पे आपने मजदूर की मजदूर का अगर देखेंगे और आज के मजदूर की वैल्यू देखेंगे तो उनका देखते हुए महंगाई भी उस हिसाब से महंगी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी है कह रहे हम आएंगे इस बार कांग्रेस सरकार में, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी हम लोगों को तो।